प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक बिना पाकिस्तान के 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत 30 लाख डॉलर खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है, इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने की भी संभावना है। साथ ही आपराधिक मामलों में भी हम सहयोग का नया ढांचा बना रहे हैं और इसके लिए नया समझौता कर रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1233 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं इस दौरान 31 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 1233 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,704 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,101 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,87,410 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,30,23,215 लोग संक्रमित हुए हैं। अकबरपुर इत्तफाकगंज पर आवागमन करने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बता दें कि अकबरपुर में इत्तफाकगंज तक आने जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन इस मार्ग से होकर गुजरने वाले लगभग 20,000 व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इस सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद जल्द ही सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। अकबरपुर इल्तफातगंज मार्ग बनने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनके बारे में हमारे माननीय सांसद वगैरह और जो विधायक यहाँ के समस्याओं को काफ़ी उपेक्षापूर्ण की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पे काफ़ी लोग इसे शिकार हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ये इल्तफातगंज से और अकबरपुर मार्ग काफ़ी बदहाली की स्थिति में रहा है, जो कि बहुत उपेक्षापूर्ण रूप से ग्रसित रहा है। यहाँ कि यहाँ केदारनगर स्थिति में इतना विषम परिस्थितियाँ रही हैं कि लोग जलभराव की समस्या से आए दिन आकस्मिक घटनाएं होती रहती थी। अकबरपुर इल्तफातगंज मार्ग पर राहगीरों के आवागमन को लेकर के सबसे बड़ी राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है। लगभग 45,20,40,000 की लागत से सड़क का निर्माण होगा और लगभग 70 से 80 गांव का इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा और लगभग रोजाना प्रतिदिन 20,000 से ज़्यादा राहगीरों को भी लाभ मिलेगा और 19 किलोमीटर का इसमें निर्माण होना है, जो कि दोनों तरफ नाली भी बनेगी और जहाँ जहाँ जलभराव बारिश में होता था वहाँ RCC रोडें भी बनेंगी और इसका सीधा सीधा लाभ जो है लगभग 70 से 80 गांव को होगा। राहुल पांडे, प्राइम टीवी। खबर हमीरपुर से है, जहां यमुना पुल पर नवेली पावर प्लांट के बाइक सवार इलेक्ट्रीशियन को ट्रक ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपनी गाड़ी से युवक को नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ था जो 112 नंबर पुलिस के द्वारा लाया गया था। उसके जो है इंटेस्टीन जो है पेट के बाहर एकदम फटी बाहर निकली हुई थी, तो इस वजह से वो तुरंत आया, हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उसको जो है हमने लाला लाजपत राय हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया। भाई मोहम्मद फहीम, ये बिजली पावर प्लांट में काम करता था, मैकेनिक सेल बैल में था। वापस वहाँ से उसकी छुट्टी हुई, वहाँ से आते हुए जमुना पुल में उसका एक्सीडेंट हो गया, तक कोई टक्कर मार दिया और उसकी डेथ हो गई। खबर का
चांदपुर से है, जहां रसोई घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग लगने से घर के सामान से लेकर मकान की दीवारें तक जलकर राख हो गई और मासूम बच्ची समेत परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें ये सारा मामला बिधनू थाना क्षेत्र के सकरापुर गाँव का है। ये यहाँ पे सिलेंडर में आग लगी है और ये किस कारण से लगी है अभी ये स्पष्ट नहीं है और इसमें से करीब 6 लोग घायल हैं। और ये घटना है, ये सकरापुर गांव है, बिधनू थाना। दमकल विभाग को सूचना दी गई है? नहीं, फिलहाल अभी तक तो दमकल को सूचना नहीं दी गई है। कितना नुकसान का तो आकलन अभी नहीं बताया जा सकता, फिर भी 2-3 लाख का तो है ही। घायलों की स्थिति चिंताजनक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां टूंडला टोल प्लाजा के पास पंचर बनवा रही मैक्स जीप को कैंटर ने रौंद दिया। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। खबर गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील थाना झंगहा के राघवपट्टी पटरी का टोला फैलहा से है, जहां पे सैनिक धनंजय यादव की मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की आड़ में दंगा कराने की साजिश रचने की बात सामने आई है। इसका खुलासा AIU की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि ड्रोन कैमरे के रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस ने 56 लोगों को चिन्हित किया है। इसके बाद 56 नामजद और लगभग 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि फौजी के मौत के बाद हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की माने तो ये आरोप बेबुनियाद है और समाजवादी पार्टी का नाम खराब करने की ये पूरी साजिश रची रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ना ही इसे उनका लेना देना है। ये उस मामले में पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और वीडियो और फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। कई लोग इसमें फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और प्रतिदिन हम दबिशें कई दे रहे हैं अलग अलग जनपदों में। जो भी लोग इसमें लिप्त रहे हैं उपद्रव करने में, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने में, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान करने में, उन लोगों के खिलाफ 6 मुकदमे चौरी चौरा थाने पर दर्ज हुए हैं और 1 मुकदमा RPF की तरफ से दर्ज किया गया है और इसमें लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी है और इनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। देखिए, जो चौरी चौरा की घटना हुई है, जिस तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो एकदम गलत है, निराधार है। चौरी चौरा में जब शहीद की बॉडी आई है, किसी को नहीं पता था कि वो बॉडी एम्बुलेंस से आ रही है, लेकिन जब गोरखपुर वो बॉडी आई और एम्बुलेंस से आई और गांव गई तो एक क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि ये तो सेना के किसी भी सैनिक का अपमान है। चूँकि उस बॉडी के साथ सेना का कोई जवान नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था, मृत्यु का कारण क्या था, परिवार भ्रमित था, इस नाते एक भ्रम की स्थिति फैलती चली गई। वहाँ के लोगों ने प्रशासन से यही मांग किया कि हमको स्थिति स्पष्ट कराई जाए सेना के द्वारा कि मृत्यु का कारण क्या है और क्यों एम्बुलेंस से भेजा गया और सलामी गारद देने के लिए क्यों नहीं कोई वहाँ से सेना का जवान आया। ये इन सब बातों को लेके वहाँ बात चल रही थी और परिवार के सदस्य, उनके पिताजी की कुछ मांगे थी, उन मांगों पे बात चल रही थी। चौरी चौरा में जो कानून व्यवस्था जितने लोगों ने प्रभावित की गई थी और जो घटना को अंजाम दिया था, उनका चयन हम लोगों ने CCTV कैमरा के फुटेज से, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई थी उससे किया और उसके बाद उनको नामजद किया है और FIR दर्ज हुई है और उनके कुछ लोगों की गिरफ्तारियां पूर्ण हो गई हैं, कुछ लोगों की तलाश अभी जारी है, अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटना की है, जो पुनः इस घटना में भी वो शामिल हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनके 14(1) में उनके संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। और इसमें क्योंकि इसमें मलबा किया गया था, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाई गई थी, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया था, काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी और पथराव भी हुआ था और आगजनी भी की गई थी, तो इसलिए उनके खिलाफ रासुका भी लगाई जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसे कोई ना करे इसके लिए इसको नज़ीर भी बनाया जाएगा।
हम खड़े हैं चौरी चौरा के राघोपट्टी के फैलाह गांव में, जहां धनंजय यादव जो कि कुछ दिन पूर्व संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हुई थी, सेना में जवान थे। ऐसे में उनके पिताजी के पास हम लोग आना चाहे, लेकिन उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है और वो गोरखपुर में भर्ती हैं, और उनके परिजन, उनके चाचा, बड़े पापा सभी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे मौत हुई, उनको कैसे सूचना मिली, इसकी जानकारी लेते हैं ग्रांड जूरे पे। आप उनके चाचा हैं, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी और कैसे पता चला, सूचना मिली, और क्या प्रशासन ने वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया, मिश्रा के लिए भेजा, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? हम लोगों को सर 24 घंटा पहले सूचना मिला 21 तारीखों को आपको लड़का सुबह गायब है। हम लोग फिर छानबीन शुरू करना, मतलब वहाँ फ़ोनों के द्वारा पता करने चाहे, तो दूसरे दिन आ रहा फ़ोन कि 5 बजे आपको लड़का का सही पता हम लोग बता देंगे, और 5:20 पर सर सूचना आ रहा है कि आपका लड़का सुसाइड कर लिया। ये संदिग्ध का विषय है कि 24 घंटे में आप लोग कितनी बार कितनी बातें बदले। उसके बाद फिर हम लोगों को बुलाया गया, हम गंगोट में 4 लोग गए वहाँ सिक्किम में, वहाँ बाड़ी दिखाया गया, बाड़ी को कोई निशान हम लोगों को दिखा नहीं। जो वहाँ पुलिसकर्मी थे उनसे पूछे गया तो वो लोग यही बताए कि हम लोग वहाँ नहीं थे, हम लोग की ड्यूटी यहीं थी, यहीं लगाया गया कि बाड़ी आपको लेके साथ में जाना है। हम लोग सर पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ से सैनिक के गाड़ी में 125 किलोमीटर जो आए, उसके बाद वो कैंप था मिलिट्री का, वहाँ प्राइवेट जो है एम्बुलेंस में उन्होंने बाड़ी को रख दिया। हम इंग्लिश जानते नहीं सर, इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ था हमसे साइन कराया कि इस पर साइन कर दो, हमने साइन कर दिया। साइन करने के बाद उन्होंने मेरे पिता भाई बड़े भाई का नंबर लिया, ना नंबर पर वो कह रहे हैं कि हमने बाड़ी हैंड ओवर कर दिया। जब हैंड ओवर का नाम लिया तो सर हमने आधा किलोमीटर बोले कि चलो हमारी भी जिप्सी साथ में चल रही है, हम लोग साथ में चल रहे हैं, हम विश्वास में थे, हम भी चले आधा किलोमीटर। जब वो लोग नहीं आए तो हमने फ़ोन संपर्क साधा तो बोले आप लोग चलते रहिए मैं आ रहा हूँ। हमने बोला नहीं ऐसे बाड़ी नहीं जाएगी, हम लोग यहीं रुके हैं, आप भी साथ में आइए। उन्होंने कहा हम लोग एरोप्लेन से आ रहे हैं, आप चलिए आपसे पहले पहुँच जाऊँगा। हम लोग फिर उनके बातों में लेकर के अपने बाड़ी चल दिए। जब रास्ते में आए सुबह 6 बजे तो भी वो उन्होंने संपर्क साधा तो कह रहे हम ट्रेन से आएंगे, ट्रेन जो हमारी लेट है, हम 4 बजे शाम को आएंगे। हमने पूछा सर तो बाड़ी को क्या करें, जला दें या क्या करें, आप जैसे बताइए, आर्मी में ले जाएँ कैंप में। उन्होंने बोला कैंप में चले जाइए, पता कर लीजिए। जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ सूचना मिला कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता यहाँ पर बाड़ी के क्या करना क्या नहीं, हम कुछ बगैर सूचना का नहीं कर सकते। वहाँ कुछ हमारे लोग इकट्ठे हुए थे, हमने समझा बुझा कर बाड़ी को अपने घर ले आया। प्रशासन से मांग हमारी भी यही थी कि हमारे लड़के के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, लड़का जिस परिस्थिति में मिला जांच का विषय है, हम भी संदिग्ध के घेरे में, एक लड़का हमारा ऐसा कर नहीं सकता, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, प्रेशर घर का था। अभी 22 जनवरी को एंगेजमेंट हुआ था शादी का, हंसी खुशी से बात होती थी रोज़। लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ की अब क्या हमारे साथ अन्याय किया, कुछ लोग गाँव के भी इकट्ठे हुए सर सहानुभूति में, हम लोग यहीं पर अपना मांग कर रहे थे, जो भी SDM साहब वगैरह आए थे कि हमारी मांगे ऐसी है, हम लोग के साथ ऐसा न्याय क्यों हुआ। कुछ बाहरी तत्व आए सर बाड़ी को, हम लोग को अभी हम लोग बात चल रही थी उठा कर ले चले गए चौरी चौरा, वहाँ भी हम लोग शांत तरीके से अपना धरना पर ही बैठे थे पूरे गांव के लोग। DM साहब आए, सारी बात उन्होंने कहा, हमने कहा आपके पर विश्वास है, हमारे भाई साहब बोले जो आप देंगे सर हमें मंजूर है, नहीं देंगे हमारा लड़का तो मर गया, हमारा तो घर उजर गया, इकलौता लड़का था, अब हमें क्या आप ज़्यादा कहना, आपके ऊपर है, हमारी एक लड़की है शादी नहीं हुई है। हमने डिमांड वो उन्होंने रखा कि भाई हमारी लड़की का कहीं नौकरी मिल जाए, जो राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है वो मिल जाए, हमारे लड़के को एक शहीद का दर्जा मिल जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब मिल जाएगा, मैं गाड़ी आर्मी वाले नहीं दे रहे हैं, हम PSC की गाड़ी पर सारी सजावट करके आपको भिजवा रहा हूँ। हम लोग सहमत होकर PSC की गाड़ी पर लोड कर दिया सर, जो ही लोड किया तब तक पुलिस प्रशासन वहाँ पुलिस जो है लाठीचार्ज हो गई, लाठीचार्ज में भगदड़ मच गया। उसके बाद फिर हम लोग बाड़ी उतार के अपने प्राइवेट साधन से लेकर के बाड़ी आए, उसके बाद ईंट पत्थर कहाँ से चलना शुरू हुआ, कौन सी पद्री चलाए सर हम लोग जान नहीं पाए। अब उसके पीछे सर पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है, सब निर्दोष लोगों का नाम उसमें आ रहा है, हमारे गांव में एक भी आदमी नहीं है जो हमारे दरवाजे पर आवे हमको सहानुभूति दें। भाई साहब की तबीयत ख़राब, गोरखपुर भेजे गए हैं दवा के लिए। इस हालात में प्रशासन से यही मांग हमारी है, जो सहायता है वो अपनी दें, और बाकी जो निर्दोष लोग हैं उनको ना छेड़ा जाए सर, जो पत्थर चलाए हाथ में दिखते हैं उनको सजा से दी जाए, हम उसके लिए बिल्कुल मंजूर हैं, लेकिन हमारे आदमी गांव के सब भागे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा ना हो उनके साथ। ये थे धनंजय यादव के चाचा जी, तो कैमरामैन
उज्जवल के साथ हिमांशु श्रीवास्तव, क्राइम टीवी, गोरखपुर। खबर देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भिखमपुर गांव चैयापुर से है, जहां पे प्राइम टीवी ने प्रमुखता के साथ मारपीट की खबर को दिखाया था। वहीं इस खबर के चलने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि रास्ते में मिट्टी रखने को ये विवाद हुआ था, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने महिलाओं पर लाठी डंडे बरसाए थे। इस जनपद के थाना रामपुर कारखाना के ग्राम भीखमपुर के चैयापुर में मकान के सामने मिट्टी रखने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और बच्चों को लाठी डंडों से, लात घूंसों से मारपीट करके घायल कर दिया। इस संबंध में थाना रामपुर कारखाना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए जिस आक्रामक पक्ष के लोगों द्वारा अपराध किया गया है, उनमें से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर शहर के घने इलाकों में सुअर बाड़ा का संचालन रोकने के लिए नगर निगम की टीम पर दबंगों ने पथराव कर दिया। पथराव में नगर निगम के सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने पथराव करने वाले दबंगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने की तहरीर दी। जानकारी के अनुसार नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ता जूही इलाके में पहुंचा था, जहां सुअर बाड़ा संचालक और उसके समर्थकों ने दस्ते पर पथराव कर दिया। आज थाना जूही क्षेत्र में नगर निगम के प्रवर्तन दल आया हुआ था, उनको एक लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आए थे। तो कार्रवाई के दौरान वहाँ पर प्रवर्तन दल और वहाँ के लोकल लोगों के बीच में आपस में संघर्ष घटना हुई है, और जिसमें 2 प्रवर्तन दल के लोगों को चोटें आई हैं। खबर कन्नौज के इंदरगढ़ क्षेत्र के उधमपुर गांव से है, जहां पर युवक पर चाकू से हमला कर उसे लहू लुहान कर दिया गया, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।